हेलो, 21वीं सदी में सब कुछ बदल रहा है, कमाने के तरीके बदल रहे हैं। इसी बदलाव में आपका फायदा करवाने आया हूं, घर बैठे कमाने का तरीका बताने आया हूं। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले करियर ऑप्शन फ्रीलांसिंग के बारे में बताया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, एक महीने में 10 लाख व्यूज, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है जो ईमेल्स मुझे आ रही है कि लोगों को ऑलरेडी इसका फायदा होना शुरू हो चुका है। आज भी एक ऐसा करियर ऑप्शन आपके लिए लेके आया हूं जिसका आज भी स्कोप है और फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप ऑलरेडी कमा रहे हैं लेकिन एक साइड इनकम चाह रहे हैं, एक पार्ट टाइम इनकम चाह रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर चुके हैं और अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, आप सबके लिए वीडियो है जिसमें आप घर बैठे कमा सकते हो। पूरी ट्रेनिंग इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, जिस दमदार कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हजारों ऐसी कंपनीज अपनी मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी करती हैं। अब देखते हैं हम इससे कैसे फायदा ले सकते हैं। पहले ये समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ये है एक मर्चेंट जिसके पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं अमेज़न, और ये रहे आप, यानी कि एफिलिएट। ये मर्चेंट्स आपके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को बेचते हैं। आप दूसरों को अलग अलग तरीकों से इन मर्चेंट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और जब ये लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको इसमें से कमीशन मिलती है, आपकी अर्निंग होती है। अब ये पूरी चेन कैसे काम करती है, कैसे लोग इसमें से लाखों रुपए हर महीने कमा पा रहे हैं, कैसे आप भी इसमें से लाखों कमा सकते हो, ये सारी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपके करियर की बात है, ये कोई मजाक नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप क्यों है, क्यों ये एक इंपॉर्टेंट करियर है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2020 में हमारे देश में जो इंटरनेट यूजर्स होंगे वो होंगे 65 करोड़, मतलब जो G7 कंट्रीज होती है, G7 कंट्रीज यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज, उन 7 कंट्रीज की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे इंटरनेट यूजर्स होंगे, मतलब हमारे इंटरनेट यूजर्स की आबादी इन 7 देशों की पूरी आबादी से ज्यादा, कितना स्कोप है फ्यूचर में। सो जैसे जैसे हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है, वैसे वैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, और ई कॉमर्स का 15-20% एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होता है। मतलब 2016 में जो 700 करोड़ का इंडस्ट्री थी एफिलिएट मार्केटिंग की, वो 2021 में 6000 करोड़ की हो जाएगी। इतना बड़ा राइज आने वाला है, आप इसका फायदा लेने वाले हो या नहीं। सो ये डाइंग बिजनेस नहीं, ये ग्रोइंग बिजनेस है। दुकानों में मंदा चल रहा है, डिजिटल पे धंधा चल रहा है। दुकानें बंद हो रही है क्योंकि दुकानें डिजिटली शिफ्ट हो रही है, लोग घर बैठे दिमाग लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप ये पॉइंट देखो, इस ट्रेंड को देखो, इस रिसर्च को देखो कि हर कंपनी एफिलिएट पे आ गई। जितने रिटेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, सब एफिलिएट कर रहे हैं। ट्रैवल साइट्स, मेक माय ट्रिप, यात्रा, एयरबीएनबी, कई साइट्स, हेल्थ साइट्स, बैंक साइट्स, इंश्योरेंस साइट्स, पॉलिसी बाजार, मैट्रिमोनियल साइट्स, अपनी शादी.com, जीवनसाथी.com, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू चल रहे हैं। कूपन साइट्स, ग्रुपॉन जैसी साइट्स, ये सब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। हर कंपनी एफिलिएट में आ रही है, इनको स्कोप नजर आ रहा है क्योंकि इनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो रही है और आपका भी फायदा, इनका भी फायदा। सो 2018 में तकरीबन हर कंपनी, हर अच्छी कंपनी एफिलिएट में आ चुकी है। सो 2019 से बहुत बड़ा दौर शुरू होता है जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। 500 रुपए से लेके 5 लाख रुपया महीना ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। हरियाणा के कुलवंत नागी से बात हुई जो अपने ब्लॉग, जिसका नाम है ब्लॉगिंग केज, उसके एक लिंक के थ्रू ही लाखों कमा रहे हैं। दिल्ली के कुणाल चौधरी महीने का 10 से 15 लाख एफिलिएट के थ्रू कमा रहे हैं। इंडिया में ऐसे कई नाम है जो घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। अब आप आज या तो इस मौके को गवा लोगे या तो खुद को बना लोगे। अब मौके को गवाना है या खुद को बनाना है, आइए जानते हैं आपको करना क्या है। दोस्तों, पहले स्टेप की बात करता हूं। स्टेप 1 है कैटेगरी को चूज करना, चूज अ कैटेगरी। अगर तो ये होता 2012, पुराना जमाना चल रहा था, तो मैं आपको कहता, दोस्तों आप कोई भी एफिलिएट ज्वाइन कर लो, कोई भी प्रोडक्ट को बेच लो, चलेगा। लेकिन अब हमें 2018 के एंड में 2019 की शुरुआत कर रहे हैं, अब स्मार्टली चलना जरूरी है। मैं आपको टिप दे रहा हूं जिससे आप क्विकली, स्मार्टली, जल्दी सक्सेस तक पहुंच पाओगे कि आप कोई एक कैटेगरी चूज कर लो। इसको हम निश कहते हैं। निश मतलब पूरा समंदर नहीं, एक पोर्शन पकड़ना और उसमें एक्सपर्ट बनना। सो कोई एक निश अपने लिए चूज कर लो, कोई एक कैटेगरी। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, बुक्स की कैटेगरी हो सकती है, फैशन रिलेटेड हो सकती है, फैशन में भी शूज, जैकेट्स, बैग्स, कुछ भी हो सकता है, वॉचेज हो सकती हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, मोबाइल एप्स रिलेटेड,
ब्लॉगिंग रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट कंपनीज रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज है, आप कोई एक कैटेगरी चूज कर सकते हो। आपको एक टिप देता हूं क्या कर सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स देख सकते हो, उससे आपको आइडिया होगा कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डिमांड में है। सो स्टेप वन है, आपको अपने लिए कोई एक कैटेगरी चूज करनी है, जनरल नहीं चलना, नेश पकड़नी है। सेकंड स्टेप है खुद को एज एन एफिलेट रजिस्टर करना, रजिस्टर एज एन एफिलेट। अब जिस साइट के लिए एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हो, जिनके प्रोडक्ट्स को एफिलेट मार्केटिंग में बेचना चाहते हो, Amazon, Flipkart, Snapdeal या जो भी साइट, आपको इनकी साइट्स पे लिंक मिलेगा रजिस्टर एज एन एफिलेट या बिकम एन एफिलेट, आप इसको क्लिक कर सकते हो और खुद को एज एन एफिलेट मार्केटर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप एफिलेट नेटवर्क पर रजिस्टर कर सकते हो। एफिलेट नेटवर्क क्या है, एफिलेट नेटवर्क मतलब एक तरह का शॉपिंग मॉल है, सारे मर्चेंट्स आपको यहीं मिल जाएंगे, आपको अलग अलग मर्चेंट के साथ रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, आप किसी एक एफिलेट नेटवर्क के साथ जुड़ गए, सारे मर्चेंट्स उनके साथ जुड़े हैं। इंडिया में कई लीडिंग एफिलेट नेटवर्क्स हैं, जैसे कि वी कमीशन, ऑप्टिमाइज, क्यूलिंक्स। जब आप इनके एफिलेट मार्केटर बन जाते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट का एक लिंक जनरेट करने की, जिसके थ्रू आप इस प्रोडक्ट को आगे बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, वो लिंक के थ्रू आप पैसे कमाते हो, हर चीज ट्रैक्ड होती है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। इनफैक्ट Amazon पे जैसे कि बंदा आपके थ्रू आया लेकिन उसने परचेज नहीं किया, बट विद इन 24 आवर्स कुछ भी उस साइट से खरीदा, उसकी कमीशन भी आपको आती है। अब थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेचना कैसे है, कैटेगरी चूज कर ली, एफिलिएट रजिस्टर हो गए, असली बात बेचना कैसे। लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के बहुत सारे तरीके, तरीका हो सकता है अपनी साइट बनाना, उस पर ब्लॉग लिखना, तरीका हो सकता है सोशल मीडिया, यूट्यूब की वीडियोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनकी पोस्ट के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, तरीका हो सकता है SMS या व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक अपने बात को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, तरीका हो सकता है ईमेल। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी साइट जरूर बनाएं। साइट बनानी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आज की डेट में साइट बनानी बहुत आसान है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ आप बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपने अपनी साइट बना ली तो आप सोशल मीडिया को भी लिंक कर पाओगे, आप ईमेल लिस्ट भी क्रिएट कर पाओगे, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर पाओगे। ये साइट आपकी मेन चीज होगी, आपका मेन ब्लॉग होगा, ये मेजरली मैक्सिमम ब्लॉगर्स यही तरीका यूज करते हैं, ट्राई टेस्टेड सक्सेसफुल तरीका। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो कैसे लोग काम कर रहे हैं। ये साइट देखिए, shaverguru.com, निश के ऊपर काम किया, सिर्फ शेवर्स की सेगमेंट पकड़ी, हर तरह के शेवर का रिव्यू है, हर तरह के शेवर का कंपैरिजन है, ब्रॉन के, फिलिप्स के, पैनासोनिक के, रेमिंगटन के शेवर्स की डिटेल्स है। कोई एक शेवर क्लिक करो और देखो शेवर के बारे में लिखा है और साथ में बाय नाउ का लिंक है। अब इंटरनेट पे शेवर रिलेटेड कुछ भी सर्च करो, ये साइट आ जाती है, लोग यही से रिव्यू पढ़ते हैं, बाय नाउ से अमेज़न पे जाते हैं और इस शेवर की वैल्यू का 10% 15% कमीशन उसको जिसका ये ब्लॉग है। चलिए कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं। मैं सर्च करता हूं लेटेस्ट फोन्स अंडर 10,000 इन इंडिया। अब ये साइट है digit.in, इसमें सुप्रोजित मलिक ने लिख दिया कि कौन कौन से बेस्ट फोन है जो अंडर 10,000 है इंडिया में। आप फोन के फीचर्स पढ़ो, स्पेसिफिकेशन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन लो, इन्फॉर्मेशन दी है, साथ में कॉस्ट है और बाय नाउ का लिंक है। ऐसे चल रही है एफिलिएट मार्केटिंग। ना दुकान खड़ी करनी है, ना दुकान पे बैठना है, ना हट्टी की टेंशन, ना गल्ले की टेंशन, आप बैठ के लिंक लगा रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लोग आ रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, बेच कोई और रहा है, बना कोई और रहा है, सप्लाई कोई और कर रहा है, आप एक एफिलिएट मार्केटिंग, एक बीच का लिंक बनके अपनी 10-15% कमीशन हर प्रोडक्ट से ले रहे हो। अब मैंने आपको कहा था ना हर चीज लिंक हो सकती है। ये साइट है सजेस्ट फोन, इसमें प्रोडक्ट है, एफिलिएट का लिंक है, उसके बाद ऑप्शन है कि अगर आपको और डील्स की नॉलेज चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आपके पास कोई बंदा आया, आपने उसका कॉन्टैक्ट ले लिया, फ्यूचर में भी आप प्रोडक्ट्स के लिंक्स उनको भेजते रह सकते हैं, वो इंटरेस्टेड है, वो जब भी खरीदेंगे आपको कमीशन मिलती जाएगी। सो देखो स्मार्टली चलो तो कितनी ऑप्शन है, ब्लॉग तो आपने बनाया, एफिलिएट मार्केटिंग तो कर रहे हो, लेकिन साथ में कॉन्टैक्ट ले लिया, ईमेल ले लिया, नंबर ले लिया, तो आप ऑप्शंस बढ़ा रहे हो, कभी उनको व्हाट्सएप पे लिंक्स भेज दिए, कभी ईमेल कर दिया नए प्रोडक्ट के बारे में, सेम अपनी ट्रैफिक को आप मैक्सिमम सेल कर पाते हो तो मैक्सिमम अर्न कर पाते हो। अगर साइट नहीं बनानी तो सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं, कंपेयर वॉचेस हिंदी। अब ये पहली वीडियो आई है टेक गाइड की, इसको क्लिक करते हैं, वीडियो के अंदर रिव्यूज है, कंपैरिजन है और नीचे दोनों लिंक्स हैं, आपको जो भी घड़ी अच्छी लगी आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक पे भी हजारों एग्जांपल्स है, ये पेज देखिए, रनिंग शूज गुरु, रनिंग शूज कैटेगरी पकड़ी है, निश पकड़ा है, जनरल कैटेगरी नहीं पकड़ी, ये फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, शूज के अपडेट्स डालते रहते हैं। आप डिटेल्स के लिए इनकी साइट पे जाते हो और वहां पे बाइंग का लिंक है,
ये भी एफिलिएट मार्केटिंग है। इस लेवल पे कितने तरीकों से एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, सो देखिए कितने एंगल से, कितने तरीकों से, कितनी इनोवेशंस, कितना स्कोप है एफिलिएट मार्केटिंग में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, याद रखना जरूरी है कि उसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को रिकमेंड करो जिस प्रोडक्ट पे आपको विश्वास है। अगर पता है प्रोडक्ट ठीक नहीं है लेकिन पैसे के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में लोगों को बता रहे हो तो गलत है। बिजनेस पैसे से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। लोगों का नुकसान करके आप कभी फायदे में नहीं रह सकते। बिजनेस पैसे से नहीं, विश्वास से चलता है। सो चाहे आप अपने ब्लॉग की वेबसाइट बनाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, फेसबुक पे पेज बनाओ, पोस्ट डालो, या फिर व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेजेस भेजो या ईमेल्स भेजो, बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के। कैसे आप प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं, क्विकली आपको बताता हूं। एक प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के कई तरीके हैं। आप अपनी साइट पे, अपनी वीडियो में या अपनी पोस्ट में किसी प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू किसी घड़ी को कर सकते हो, उस घड़ी के बारे में क्या लोगों का कहना है, क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट्स है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कोई कार के बारे में, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में आप रिव्यूज डाल सकते हो। इसके अलावा आप हाउ टू कर सकते हो, यानी कि किसी चीज को समझाते हुए प्रोडक्ट्स का जिक्र कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू लूज वेट, उसमें आप बता सकते हो ये वाला पर्टिकुलर पाउडर है या फिर ये वाली कोई ऑयल है जिसको यूज कर किया जा सकता है। हाउ टू क्लिक का पोर्ट्रेट फोटो, उसमें आप लेंसेज के बारे में डाल सकते हो कि ये वाला लेंस यूज कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। आप कंपैरिजन डाल सकते हो। हम भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपेयर करना पसंद करते हैं। आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उनको पूरा कंपैरिजन दे सकते हो। कई बार आपने देखा भी होगा iPhone X वर्सेस Samsung S9, सारे फीचर्स एक जगह लिखे होते हैं, उसके बाद बाइंग का लिंक होता है। प्रोडक्ट कोई भी जीते, हम हमेशा जीत जाएंगे कंपैरिजन में। आप लोगों को डील्स दे सकते हो। लोगों को पता हो यार, डील विशाल ढूंढ के लाता है हमारे लिए, डील सविता ढूंढ के लाती है हमारे लिए। डील्स दे सकते हो, आप कूपन साइट्स के साथ एफिलिएट हो सकते हो और डील्स के बारे में लोगों को अपडेट कर सकते हो। जिस भी एफिलिएट नेटवर्क या साइट के साथ आप जुड़े हो, वहां पे पूरा सिस्टम होता है जहां पे आपको अर्निंग्स आपकी नजर आती रहेंगी। आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे जैसे आपके ब्लॉग्स पे, वीडियोस पे या पोस्ट पे ट्रैफिक बढ़ता है, या फिर जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो, वैसे वैसे आपकी कन्वर्जन बढ़ती है। आपको धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा कितने लोग पोस्ट को देखते हैं और कितने कन्वर्ट होते हैं। आपको अपने नंबर्स क्लियर होते जाएंगे। देखो, इसका इतना फायदा है कि जब आप ये करते जाओगे ना, आप मार्केटिंग को समझते जाओगे, कंज्यूमर डायनामिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, अपनी ऑडियंस को समझते जाओगे। क्या लिखा तो उनको पसंद आया, क्या लिखा तो उनको पसंद नहीं आया, कैसी वीडियो उनको अच्छी लगी, कैसी पोस्ट उनको अच्छी लगी, इतना कुछ आप इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में समझ पाओगे। और एफिलिएट मार्केटिंग का इतना बड़ा फायदा, आपको ना पैकेजिंग की टेंशन लेनी है, ना डिलीवरी की टेंशन लेनी है, ना अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन लेनी है, ना दुकान की टेंशन लेनी है। आपको सिर्फ सेल करना है। और स्कोप इसलिए बढ़ जाता है कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको दूसरों का करना है, तो स्कोप बहुत वाइड हो जाता है। इनफैक्ट कमीशन देखो, आप अगर आप सर्विसेज बेचते हो किसी तरीके की, तो कई बार कमीशन 80% तक जाती है, प्रोडक्ट्स पे 10-15% तक जाती है। इतना पोटेंशियल आपके लिए इस बिजनेस में है। और डिजिटल हो रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो आप इस ग्रोथ में कितना फायदा लेने वाले हो ये आपके ऊपर है। कितना खुद को इवॉल्व करोगे साथ साथ, कितना सीखोगे वो आपके ऊपर है। एक चीज जरूर कहूंगा, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बेसिक चीजों को समझना होगा और होता जाएगा, लेकिन पेशेंस चाहिए होगी। डे वन पे ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉग लिखा और लाखों लोग आपके ब्लॉग पे आ गए। टाइम लगता है, धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचोगे। अच्छी चीजें बता रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, अच्छा सुना रहे हो, अच्छी चीजों तक पहुंचा रहे हो, तो लोग जुड़ते जाएंगे, आपको आगे रिकमेंड करते जाएंगे। आपके साथ आपके ऑडियंस का एक ट्रस्ट बनता जाएगा, एक लॉयल ऑडियंस आपकी क्रिएट होती जाएगी। उसके बाद उनको, उनकी हेल्प करो। बेसिक पर्पस क्या है? बिजनेस इज हेल्पिंग पीपल। यो मैंने बोला ना, विश्वास से चलता है, पैसे से नहीं। तो अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लाओ, उनकी हेल्प करो, वो परचेज करेंगे, आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरीके से लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा पाओगे। सो वीडियो कैसी लगी, काम की लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। और जब आप एफिलिएट के थ्रू ग्रो करना शुरू करो, तो अपने प्रोग्रेस को मेरे साथ जरूर शेयर करना। मुझे आपकी मेल्स पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे अपडेट्स, ऐसी नॉलेज, ऐसे वीडियोस, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचते रहे, आप आई पे क्लिक कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको अपडेटेड रखेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड आई लव यू ऑल।